With this, I support the demand for grant Ministry of Railways. Thank you, sir. Thank you. माननीय सदस्य जी धैर्यशील माने धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय रेल मंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने रेल यातायात के लिए भारतवर्ष को सबसे बड़ा बजट देने का काम इस संसद ने किया है और उसका सम्मान आपने यहाँ किया है। मैं निश्चित रूप से मेरी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बजट का स्वागत करता हूँ। आज सरकार ने रेल के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट जो दिया है, देश को मजबूत बनाने के लिए नई सुविधा लाने के लिए सरकार ने 2,62 करोड़ का कैपेक्स तौर पे दिया गया है। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। यह रकम 2023-24 के बजट में 2.40 लाख करोड़ रुपए थी। सरकार का लक्ष्य अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलानी चाहिए। बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से यह अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप यातायात सुविधाजनक हो इसके लिए आप प्रयास कर ही रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप रेल सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिसके माध्यम से भारतीय रेल किसी भी मुसीबत के बिना यात्रियों को यातायात करा पाए। इस बजट में भारत जो है देश का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रूस हो, चीन हो या अमेरिका हो, इसके बाद भारत का ही नंबर आता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा रेल यातायात की गई है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल की कुल ट्रैक लंबाई 1,26,000 किलोमीटर के दरमियान है, जिसमें 7,335 स्टेशन है। 2023-24 के दौरान ये रिकॉर्ड ब्रेक आपको यह समझना पड़ेगा कि जहां 5,100 किलोमीटर ट्रैक लंबाई इस साल में हासिल की गई है, और आदरणीय यशस्वी रेल मंत्री के माध्यम से ये बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाथकनंगले के लिए कुछ मांग आदरणीय रेल मंत्री जी से करना चाहूँगा। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ वो टेक्सटाइल का हब है, कोल्हापुर एक एग्रीकल्चरल हब है, और निश्चित रूप से इस उद्योग को बढ़ाने के लिए आपकी सहायता बहुत ज़रूरी है। हाथकनंगले से लगा हुआ जो इचलकरंजी है, इचलकरंजी का रेल मार्ग मंजूर है, पिछले 3 बजट में उसका उल्लेख हुआ है रेल मंत्री जी, लेकिन आज भी वो काम पूर्णतः पूर्ण नहीं हुआ, वहाँ तक पटरी नहीं जा पहुँची। मैं इस बजट के माध्यम से आपसे विनती करना चाहूँगा कि इचलकरंजी के लिए रेल जाने का प्रावधान किया जाए, बहुत कम लागत में वो ट्रेन वहाँ तक जा सकती है। कोल्हापुर वैभववाड़ी के लिए नए मार्ग का होना बहुत आवश्यक है, जो कोंकण से कोल्हापुर को जोड़ने का काम करेगा। उसके लिए भी मैं आपसे मांग करता हूं कि कोल्हापुर वैभववाड़ी का भी सर्वे किया गया था, उसको आप मद्देनजर रखते हुए उसको भी यहां मान्यता दे। कोल्हापुर बेंगलोर जाने वाली रानी चिन्नम्मा एक्सप्रेस सांगली से शुरू की गई है। जो ट्रेन पहले कोल्हापुर स्टेशन से छूटती थी वो पूर्वतः कोल्हापुर स्टेशन से शुरू की जाए। कोल्हापुर मुंबई जाने वाली सह्याद्री एक्सप्रेस अभी सिर्फ पुणे तक जाती है, उसको मुंबई तक का आप अगर सिग्नल दे तो निश्चित रूप से कोल्हापुर से बम्बई जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। हाथकनंगले रेलवे स्टेशन के नज़दीक मेरा सबसे बड़ा मैनचेस्टर सिटी, जिसे देश की कहा जाता है, इचलकरंजी एक वस्त्र उद्योग का शहर है, उसके लिए अगर आप रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक वेयर हाउस बना पाए तो निश्चित रूप से जो उद्योग टेक्सटाइल का वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी सुविधा उसके माध्यम से हो सकती है। मैं कुछ रेलवे स्टॉप्स के लिए जो कोविड काल में बंद हुई थी,
यहाँ के सारे सांसद मेरे इस सुझाव से शायद आप सभी लोग ये होंगे, एकरूप होंगे कि कोविड काल में जो ट्रेनें बंद की गई उसका खामियाजा हमको इलेक्शन में बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हम पे तंज कसे कि ये रेलवे शुरू नहीं कर पाए, आप सांसद हो, आप इसके लिए क्या कर रहे हो, इस पे हमें जवाबदेही देनी पड़ी और निश्चित रूप से उसका खामियाजा वोटों पर भी पड़ा है। हम ये चाहते हैं सर कि जितने मैक्सिमम स्टॉप्स आप इस रेल बजट में शुरू कर पाए उससे बहुत बड़ी सुविधा सभी सांसदों को होने वाली है। मैं निश्चित रूप से सभी की ओर से आपसे ये मांग करना चाहूँगा कि कोविड काल में बंद किए हुए बहुत सारे स्टॉप्स शुरू वापस किए जाए। उसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ताकारी रेलवे स्टेशन पर जो स्टॉप्स थे उसमें आप या मेरे ताकारी हो, बलेवाड़ी हो, रुकड़ी हो, ये सारे स्टॉप्स बंद कर दिए गए थे। ये सारी ट्रेनों को वापस शुरू कर दिया जाए, जहाँ से कोयना एक्सप्रेस हो, महालक्ष्मी एक्सप्रेस हो, महाराष्ट्र एक्सप्रेस हो, वहाँ जाती थी। ताकारी से दादर पुदुचेरी सर दो मिनट एक्सप्रेस जाती थी, दादर मैसूर दादर शरावती एक्सप्रेस वहाँ से जाती थी, दादर तिरुनो वैली दादर के लिए जाने वाली एक्सप्रेस वहाँ से जाती थी। ये सारी बंद कर दी गई है, उसे वापस शुरू कर दिया जाए। और निश्चित रूप से हाथकनंगले जयसिंहपुर में धन्यवाद एक्सप्रेस हो, कोल्हापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस हो, कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस हो, ये सारी ट्रेनें इचलकरंजी के निकटतम स्टेशन हाथकनंगले या मीरत से दूर होने के कारण अधिकतम टेम यात्री हाथकनंगले या जयसिंहपुर से प्रस्थान करते थे। मैं अतः आपसे विनंती करना चाहूँगा कि ये सारी ट्रेनें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और पश्चिम महाराष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज लाती है। एक अच्छी योजना महाराष्ट्र देश में लाई गई थी, उसका मैं आपसे एक ही मिनट में सर मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ सर। जिस बजट में लास्ट टाइम यहाँ आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब और आपके सहयोग से ड्राई पोर्ट की योजना बनी थी और ट्रेन डायरेक्ट ड्राई पोर्ट पे जाती थी और वहाँ से माल की यातायात होती थी। मैं निश्चित रूप से आपसे मांग करना चाहूँगा कि अगले वर्ष हमारे यहाँ भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए जो 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बने हैं उसमें से एक टर्मिनल हाथकनंगले लोकसभा में बनाया जाए। और कोल्हापुर अरविंद चौहान जी प्लीज कंक्लूड।